नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं पल्सर एनएस 160 बाइक का करंट प्रॉब्लम के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देख सकते हैं ये मैं पहले टैंकी को खोल के रखा है ये बाइक का। ये देख सकते हैं ये वाला है पल्सर एनएस 160 का टैंक। ये देखिए इधर मैं चाबी ऑन किया, फिर अभी सेल स्टॉप मार रहे, देख रहे कि करंट आ रहे कि नहीं। इधर प्लग कैप को हम अभी खोल रहे हैं, ये देखिए खोल दिया, फिर करंट आने की आ रहा है कि नहीं चेक कर रहे हैं। ये किल स्विच, ये किल स्विच को हम ऑन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं करंट नहीं आ रहा है सामने, ठीक है। ये देख सकते हैं बिल्कुल से भी करंट नहीं आ रहा है, एक ज़रा सा भी करंट नहीं आ रहा है। तो मैं अभी इसका सीडीआई इससे पहले चेक करने वाले हैं। इधर पीछे के साइड इसका सीडीआई रहता है, देख सकते हैं ये वाला है इसका सीडीआई। सीडीआई ख़राब है, मैं पहले तो ये नहीं बोल सकता कि इसका सीडीआई ख़राब है। पहले इसका लाइन आउटपुट और इनपुट सब चेक करना है मेरे को, फिर मैं बताने वाला हूँ कि इसका सीडीआई ख़राब है या एसटी कॉइल ख़राब है। इसको मैं पहले इसको लगा के रखता है। इसका सीडीआई चेक करने पहले से इसका जो एसटी कॉइल है, इसको मतलब हर कोई मिस्त्री अलग अलग नाम से बोलते हैं, हम तो इसको एसटी कॉइल बोलते हैं। इसको खोल दिया, अभी इसमें करंट आ रहा है कि नहीं हम अभी चेक कर रहे हैं। इधर एक तार लगा दिया, फिर इस तार को देखिए इधर टच कर रहे हैं, देखिए इधर भी करंट नहीं आ रहा है। मतलब ये जो स्टिक ऑयल है ये लग रहा है कि सही है, इधर करंट आएगा तो इधर से, अगर इसमें करंट आएगा फिर प्लग तार में करंट नहीं आएगा तो ये वाला कॉयल ख़राब है। अगर इसमें करंट नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम स्टिक ऑयल से नहीं और दूसरी कहाँ से होगा, शायद सी डी आई के पास, मैं देख रहा हूँ। यह है इसका सी डी आई जिसका पार्ट नंबर है JE43 पल्सर एनएस 160 का। और पल्सर 200 का जो सी डी आई रहता है वो थोड़ा मतलब लाल कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का है। इसका जो कनेक्शन है इधर आप पुश कीजिएगा, फिर पीछे की तरफ खींचेगा तो ये खुल जाएगा। कोई भी गाड़ी का मतलब करंट रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले कलर कोड का पता होना ज़रूरी है। इसलिए देख सकते हैं इसका जो कलर कोड तार है, ये वाला जो रेड में ब्लैक है, ये वाला रेड में जो ब्लैक तार है ये एक एसटी कॉइल में गया है। ये देखिए ये वाला तार ये देखो ये जो तार है एक ही कलर है, ये एसटी कॉइल में आया। आउटपुट लाइन है हमारा, मतलब सीडीआई से ये लाइन देता है गाड़ी कारण में एसटी कॉइल तक, फिर आता है हमारा ये ब्लैक वायर, ये भी एक एसटी कॉइल में देता है। क्योंकि बजाज गाड़ी जो है इसका दो एसटी कॉइल रहता है। इधर देख सकते हैं ये देखो ब्लैक वाला वायर जो है एसटी कॉइल में लगा है, मतलब इधर एक एसटी कॉइल और इधर इस साइड एक एसटी कॉइल। अब आपको पता चल गया कि लाइन सी डी आई से लाइन कौन से तार में देता है। फिर हम अभी पता लगाने वाले कि इसका पिकअप कॉइल और बॉडी आर्ट कहाँ कहाँ से आती है। और ये जो ब्लैक में वाइट दिख रहा है, ये जो ब्लैक में वाइट तार दिख रहा है आपको, ये वाला है हमारा टीपीएस सेंसर का। टीपीएस सेंसर मतलब जो इंजन हीटिंग प्रॉब्लम, इंजन हीट होता है जो उसका सेंसर लगाता है ब्लॉक में, उसका तार है इधर जो लगा हो रहा है। ये देखिए ये वाला जो सेंसर है इसका ब्लैक में वाइट है, मतलब इस अगर गाड़ी में करंट है तो टीपीएस सेंसर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मतलब आप छोड़ के बाकी सब का आपको चेक करना है। फिर आता है आपका ये जो वाइट में रेड कलर इसका पिकअप कॉइल, ये लाइन है जो ये जो कलर कोड है ये पिकअप कॉइल का लाइन है। इसका पिकअप कॉइल जल्दी ख़राब नहीं होता क्योंकि इसका पिकअप कॉइल जो है वो इंजन ऑयल में डूबा रहता है, इसलिए पिकअप कॉइल ख़राब होने के चांसेस बहुत ही कम है। फिर भी आपको जानना है तो मल्टीमीटर की मदद से आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको आप लोगों को पिकअप कॉइल मतलब मापना नहीं आता तो मेरा वीडियो यूट्यूब में डाला हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो कि पिकअप कॉइल ख़राब है कि सही है, ये पता करने के लिए। फिर आता है ये वाला ब्लैक में येलो, ये तार जो है हर बजाज गाड़ी में रहता है ब्लैक में येलो तार, ये बॉडी आर्ट रहता है सभी हर गाड़ी में, कोई भी गाड़ी में। ये देखिए मैं आपको सीधी तरह से बता रहा है, ये इधर लगा दिया ब्लैक में येलो, ये जो है हमारा बैटरी का
प्लस कनेक्शन, इधर मैं देगा तो फायर होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं ये जो है इधर फायर हो रहा है, मतलब ये बॉडी आर्थ जो है हमारा वो सही है। उसके बाद आता है जो CDI को लाइन देता है मैग्नेट कॉइल से, जो 12 होल्ट लाइन है ये देख सकते हैं, ये रेड में मतलब वाइट नहीं है उसके ग्रे कलर, वाइट में जो ग्रे है ये तार 12 होल्ट लाइन देता है। ये जो स्किल स्विच है ये ऑन करने से लाइन देता है। देखो ये स्किल स्विच में ऑफ करके रखा अभी, फिर इधर कनेक्शन जो है नहीं आ रहा है, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं इधर देखिए जो है नहीं आ रहा है। अगर इससे आप लोगों को पता नहीं चल रहा है तो मैं एक लाइट की LED लाइट की मदद से आप लोगों को दिखा रहा है। अभी हमारा LED पत्ता लाइट, इसको 10 रुपये में आपको बाज़ार में मिल जाएगा। फिर इसका जो लाल में वाइट तार है ये आपको इस जो किल स्विच से आता है, ये लाइन 12 वोल्ट देता है, इधर एक लगा लेना है। फिर बॉडी आपको आप कहीं भी लगा लेंगे। ये देखिए ये जो लाइट है नहीं जल रहा है, अभी किल स्विच मैं ऑन करूँगा तो इसका लाइट अभी जल जाएगा। ये देखो जिसका किल स्विच है मैं ऑन किया और इधर जो ये लाइट है ये देख सकते ये जल गया। अभी मैं किल स्विच ऑफ कर रहा हूँ और इधर लाइट भी ऑफ होगा, हो गया। इसका मतलब इसका जो CDI है वो ख़राब हो गया है, इसका CDI डलवाना है। ये CDI तो महंगा ज़्यादा नहीं है लेकिन अभी इसको डालना तो पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगा। बजाज का जो मतलब हर CDI का दाम बहुत ही कम है, हीरो होंडा कुछ भी गाड़ी है उससे भी बहुत कम है, फिर भी इसको लगाना पड़ेगा। इसका जो पार्ट नंबर है आप देख सकते हैं JE 43, ठीक है, ये दिख रहा है। इसको हम अभी नया असेंबल करने वाले हैं, फिर देखते हैं कारण आ रहा है कि नहीं। ये देख सकते हैं ओरिजिनल CDI है, इसको 1204 रुपया में ख़रीदा मैं, इसका प्राइस लिस्ट और भी ज़्यादा है। ये देख सकते हैं पार्ट नंबर JE 43। अभी इसको इस सॉकेट में लगा के देख रहे हैं कि कारण आ रहा है कि नहीं। इधर इसको लगे इसे अंदर की तरफ प्रेस कर देना, ये लग जाएगा, फिर देख रहे कारण आ रहा है कि नहीं। ये देख सकते हैं अभी किल स्विच को मैं ऑन किया फिर स्टार्ट कर रहा है, तो देखिए कारण जो है एकदम बराबर दे रहा है, ठीक है। अगर वीडियो से आप लोगों को थोड़ा भी मदद हो जाएगा तो अपना भाई को सपोर्ट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।